हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल्स। ठीक है, तो उसी में भी आगे आता है होबेनहोस्ट रिएक्शन। होबेनहोस्ट रिएक्शन क्या है? ये एक असाइलेशन रिएक्शन है, ये एक असाइलेशन रिएक्शन है पॉलीहाइड्रिक फिनोल्स की। ठीक है, पॉलीहाइड्रिक फिनोल है ये हमारे पास। पॉलीहाइड्रिक फिनोल ऐसा फिनोल होता है जिसके पास एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड हो, फिनोलिक ग्रुप अटैच्ड हो। तो असाइलेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि हम इस रिएक्शन के अंदर कोई असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कोई असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो पॉलीहाइड्रिक फिनोल्स की हम असाइलेशन रिएक्शन करवाते हैं तो उसको बोलते हैं होबेनहोस्ट रिएक्शन। अब ये होबेनहोस्ट रिएक्शन कैसे करवाई जाती है? इसमें हम क्या करते हैं, हम पॉलीहाइड्रिक फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं किसी एल्काइल साइनाइड के साथ और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। एल्काइल साइनाइड ले लेंगे और एक हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हमारे एल्काइल साइनाइड्स होते हैं। और हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और किसकी, ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाई जाती है। और वो कैटलिस्ट हमारे क्या हो सकते हैं, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ठीक है, ये एक टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो इसमें क्या होता है कि एल्काइल ग्रुप जो होता है हमारा, ये एल्काइल ग्रुप होता है और इसके साथ ये जो साइनाइड ग्रुप होता है, ये असाइल ग्रुप बनके फेनाइल रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो अभी इस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म देखते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, तो होबेनहोस्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म बिल्कुल गेटरमैन रिएक्शन की तरह ही है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो भी हमने एल्काइल साइनाइड लिया है, जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये हमारा बेस की तरह काम करता है और ये हमारा क्या है, एसिड है। तो ये एसिड क्या करेगा, एच पॉजिटिव देगा और ये एच पॉजिटिव इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ अटैच हो जाएगा तो ये NH पॉजिटिव बनता है। फिर ये Cl- इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है और ये डबल बॉन्ड इस टाइप से शिफ्ट हो जाता है। तो ओवरऑल क्या होता है कि इस नाइट्रोजन के ऊपर ये हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और ये Cl इस कार्बन के ऊपर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये एडिशन हो जाता है HCl का कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास ये बनता है। इसके बाद जो भी हमने लेविस एसिड लिया था यहाँ पे, ये कैटलिस्ट लिया था। ठीक है, ये लेविस एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लेते हैं यहाँ पे कोई भी स्पीशीज, तो इस रिएक्शन में यूज किया जाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड को। तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या करेगा, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड इस Cl को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, और ए एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड बना देगा। और जब यहां से ये Cl निकल गया, तो ये Cl निकला है तो अपने इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले गया, इसीलिए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये हमारा अब जनरेट हो गया इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल, अब यहाँ पे ये पॉलीहाइड्रिक हमारा फिनोल है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल इस पॉलीहाइड्रिक फिनोल के ऊपर अटैक करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिच है। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और ये जो फिनाइल रिंग है ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो आपने पहले पढ़ा है कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल आपस में रिएक्ट करते हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस है। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। तो ये क्या करेगा, अब देखो यहाँ पे ये पोजीशन और ये पोजीशन तीनों आइडेंटिकल है, इसके इधर भी ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ हुए चाहे इसके ऑर्थो पोजीशन पे हुए चाहे इसके ऑर्थो पोजीशन पे हुए चाहे इसके ऑर्थो पोजीशन, ये सारी पोजीशंस जो हमने यहाँ पे दिखाई है ये सभी आइडेंटिकल है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है। तो इसको सिंपल वे में बताने के लिए हमने ये मान लिया है कि भाई ये इस वाले OH का लोन पेयर
इधर रेजोनेंस शो करेगा और ये डबल बोन यहाँ पे अटैक कर देगा। इसके बाद ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल था इस कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला स्टेप हमारा स्लो स्टेप होता है। ये स्टेप कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको बेंजीन रिंग दिख रही है ये अरोमेटिक है, लेकिन इस कंपाउंड में, इस इंटरमीडिएट में जो आपको बेंजीन रिंग दिख रही है ये हमारी अब अरोमेटिक नहीं है। ये जो रिंग दिख रही है ये अरोमेटिक नहीं है। तो यहाँ जब इस यहाँ से हम यहाँ पे गए हैं तो हमारी बेंजीन की एरोमेटिसिटी लूज हो गई है, ठीक है। और जब भी एरोमेटिसिटी लूज हो जाती है तो कंपाउंड अनस्टेबल बन जाता है। अब वो वापस से स्टेबल बनने के लिए क्या करेगा, अपने एरोमेटिक करेक्टर को गेन करेगा। और ये वाला स्टेप इसीलिए फास्ट होता है। और इसमें क्या होता है कि यहाँ से ये एच, ये हाइड्रोजन ऐसे रिमूव हो जाता है और यहाँ से ये डबल बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होता है ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, क्योंकि ऑक्सीजन का एक लोन पेयर इधर मूव कर गया था, ठीक है, रेजोनेंस की वजह से। तो अब इस टाइप से ये फास्ट स्टेप होगा और हमारे यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो जाएगा इस कार्बन, सॉरी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर। अब ये जो एच पॉजिटिव यहाँ से निकला था, ठीक है, ये एच पॉजिटिव होगा, एच पॉजिटिव प्रोटोन होता है, प्रोटोन एसिडिक नेचर होता है उसका, ठीक है। अब ये एच पॉजिटिव क्या हो करेगा, यहाँ पे ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, तो जैसे ही एच पॉजिटिव निकलेगा ये नाइट्रोजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक कर देगा और यहाँ पे NH2 पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसी स्टेप में, मतलब इसी स्टेप के अंदर दो चीजें हो रही है, यहाँ से एक प्रोटोन निकल रहा है एच पॉजिटिव और ये एच पॉजिटिव निकल के इस NH के ऊपर अटैच हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एच पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये इजीली इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास ये बन के तैयार हो गया। इसके बाद अब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक है, अब इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि ये जो वाटर है, वाटर का लोन पेयर यहाँ से इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, वाटर का लोन पेयर यहाँ से इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। और जब इस कार्बन के ऊपर अटैक होगा तो ये जो डबल बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड का ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए अब यहाँ नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज हमारा न्यूट्रल हो गया है। लेकिन क्या होगा, अब ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इस कार्बन पे अटैक किया था तो ऑक्सीजन का ये लोन पेयर अब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया है, इसीलिए अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ से ये एक एच पॉजिटिव, यहाँ से ये जो वाटर ऐड हुआ था यहाँ से निकल जाएगा। तो ये जो एच पॉजिटिव निकलेगा, अब ये यहाँ पे एन एच टू के ऊपर फिर से लोन पेयर है, ठीक है, ये एन एच टू के पास, ये नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर है, तो ये एच पॉजिटिव यहाँ से निकल के इस नाइट्रोजन के ऊपर अटैच हो जाएगा। तो ये एन के ऊपर अटैच हो गया, ये एन एच थ्री पॉजिटिव बन गया है। इसके बाद क्या होगा कि ऑक्सीजन के पास ये जो लोन पेयर है, अब ये एन एच थ्री के ऊपर पॉजिटिव, जब भी किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी कहीं पे भी ओ एच टू के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या एन एच थ्री के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये गुड लिविंग ग्रुप बन जाते हैं। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन का ये लोन पेयर इधर मूव करेगा, ठीक है, और ये NH3 हमारा इजीली बाहर निकल जाएगा, क्योंकि NH3 पॉजिटिव एक गुड लिविंग ग्रुप है, इजीली यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद क्या होगा, अब ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर, ऑक्सीजन और कार्बन के बॉन्ड के बीच में शिफ्ट हुआ, इसलिए ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक है। अब यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और ये एच पॉजिटिव वापस से अल्टीमेटली जो हमने शुरू में एसिड यूज किया था वो लास्ट में वापस से जनरेट हो जाएगा। ये एच पॉजिटिव यहाँ से जनरेट हो गया और ये असाइल ग्रुप हमारा इंट्रोड्यूस हो गया है पॉलीहाइड्रिक फिनोल में। तो एक टाइप से ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। असाइलेशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एक असाइल ग्रुप, ये हमारा पूरा क्या है कि असाइल ग्रुप, इसको हम बोलते हैं असाइल ग्रुप, इस ग्रुप को बोलते हैं असाइल ग्रुप।
ठीक है, लेकिन अगर यहां पे सी एच थ्री हो तो इसको बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, तो असाइल जनरल नेम होता है, जब आर ग्रुप आर को यहां डिफाइन कर दिया जाता है तो इसका नेम चेंज हो जाता है। तो ये एक टाइप से कौन सी रिएक्शन है, असाइलेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है बेंजीन रिंग के ऊपर। लेकिन क्या कंडीशन होनी चाहिए होबन होस्ट रिएक्शन के लिए, जो फेनोल है हमारा वो पॉलीहाइड्रिक फेनोल होना चाहिए। ठीक है, सिंपल फेनोल के साथ ये रिएक्शन नहीं हो पाती है।